मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी अभी हम लोग बरही आए थे और बरही में आपको दिखाया किस तरह से ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ। ऑक्सीजन प्लांट क्यों ज़रूरी है आप लोग तो जान ही चुके हैं। हजारीबाग में कोरोना के काल में जब ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी, कितने लोगों की मौत हुई थी? लगातार 5 लोग 10 लोग मर रहे थे बहुत कम अंतराल में, और एक पैनिक हो गया था कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, पूरे हजारीबाग में ऑक्सीजन नहीं था। लेकिन अब बरही में ऑक्सीजन प्लांट लग गया है। आगे अगर कोरोना आता है तो, ऐसा ना हो कोरोना ना आए, लॉकडाउन ना हो, लेकिन अगर कोरोना आता है या फिर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट आसपास के लोगों को होता है तो वो शायद पूरा हो जाएगा ऐसे प्लांट से। आइए जानते हैं जिन लोगों ने इस प्लांट को लगाया है। पेटीएम के संस्थापक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में जुड़े थे, पेटीएम के जो एम्प्लॉय है मेरे साथ यहाँ पे हैं, और केन एनर्जी, KEN एनर्जी, जयपुर में इनका शायद है, जयपुर में इनका हेड ऑफिस है, वहाँ पेटीएम के साथ टाई अप करके जगह जगह पे लगाया है। इन्होंने, इनका कहना है कि 40 जगह ऐसा प्लांट लगा चुके हैं। तो कितनी लागत से ये प्लांट लगता है, कितना इफेक्टिव होता है, कितना लोगों तक पहुँचता है, ये सब हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेटीएम के जो एम्प्लॉय हैं, आप बताइए कहाँ कहाँ प्लांट लगा चुके हैं, और आप हजारीबाग आए हैं तो झारखंड में क्या ये पहला प्लांट है जो आप लोगों ने लगाया? जी हाँ, तो हम राजस्थान में कर चुके हैं, हम गुजरात में डोनेशन कर चुके हैं, हमने लखनऊ में भी लगाया है, और अब हम झारखंड आए हैं। तो यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हमको डिमांड आई थी कि काफी लोगों को दिक्कत हुई थी जब यहाँ पे कोरोना था, तो हमारी टीम ने कहा कि बिल्कुल यहाँ पे करना चाहिए, और गांव तक पहुंचाने में ज्यादा समझदारी, क्योंकि शहरों में तो फिर भी लोग कुछ ना कुछ कर लेते। ये पेटीएम का अपना एक इनिशिएटिव है, एज अ सोशल रिस्पांसिबिलिटी है क्या है? तो पेटीएम फाउंडेशन के अंडर हम CSR एक्टिविटी करते हैं, जिसके अंदर हमने जब कोरोना हुआ था तो हमने चंदा इकट्ठा किया था और अपनी जेब से भी उतनी लागत डाली थी। अच्छा, तो वो जो अमाउंट इकट्ठी हुई थी उसकी तरफ से हम लोगों की सहायता के लिए। ये यहाँ के सांसद से क्या उनका कुछ ऐसा टाई अप है या फिर जान पहचान है? जो सांसद आए थे यहाँ पे वो बता रहे थे कि उनकी अच्छी मित्रता है। हाँ, तो हमारे फाउंडर के साथ उनकी अच्छी मित्रता है। हाँ, और इसलिए ऐसी जब कोई भी डिमांड किसी से आती है हमें, तो हमारे फाउंडर के पास, तो हम मतलब ऐसा है कि प्रायोरिटी मिला इन्हें? नहीं बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल मिलता है, क्योंकि ये सारी चीजें फाउंडर की उसी से होती हैं। अच्छा, तो जैसे ही किसी को इन्फॉर्मेशन आती है तो टीम को बोला जाता है आप जाके सहायता करें। बिल्कुल, तो अभी 40 आप लगा चुके हैं अलग अलग जगह, ये बताइए कैसा चल रहा है, मतलब सस्टेनेबिलिटी मॉडल ये कैसा है, कितना दिन चलेगा कि बीच में जाके मतलब? तो इसमें 1 साल तक की तो सर्विस भी फ्री होती है, वो आप लोग देंगे? करेक्ट, तो काफी हॉस्पिटल्स में ये चल रहा है और काफी डॉक्टर्स ने हमें काफी थैंक्स भी भेजा है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे पेशेंट्स को फायदा हुआ है, तो ये आगे भी चलता रहेगा और हम इससे प्रमोट करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए मेरे साथ केन एनर्जी की तरफ से भी है, आप बताइए आप राजस्थान से यहाँ पे आए हैं और कहाँ कहाँ प्लांट लगा चुके हैं और कितना इफेक्टिव है ऐसा प्लांट? देखिए हम लोग जो है पेटीएम के साथ में करीब 7-8 स्टेट के अंदर हम लोग ये प्लांट लगा चुके हैं, और पेटीएम ये जो सरोकार, सामाजिक सरोकार कर रहा है, ये अपने CSR फंड से कर रहा है। अच्छा, और जैसे कि यहाँ पे जो है माननीय सांसद महोदय जयंत सिन्हा जी ने रिक्वेस्ट किया होगा कि सब हमको यहाँ पे प्लांट चाहिए, हमारे क्षेत्र में ऑक्सीजन का कमी है, तो उसको जो हमारे जो CEO हैं पेटीएम के विजय शेखर शर्मा जी ने, उन्होंने उसको मंजूर किया, और जहाँ ये हम लोगों को जगह अलॉट करते हैं वहाँ हम लोग ये प्लांट टर्की से इंपोर्ट करके प्लांट हम लोग यहाँ पे मंगवाते हैं। टर्की से मतलब यहाँ नहीं बनता है ये प्लांट? इंडिया में प्लांट बनते हैं बट उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी मतलब कमजोर होती है। अच्छा, तो अच्छा ऑक्सीजन मिले, मेडिकल ऑक्सीजन इसको बोलते हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेड मशीन ही उसके लिए जो है ज्यादा फायदेमंद रहती है। तो ये जो मशीन आप लोग यहाँ पे लगा रहे हैं इसको मैनेज कौन करेगा, यहाँ के लोग करेंगे, यहाँ के स्टाफ करेंगे, कि आप सर्विस मैन देंगे यहाँ पे? देखिए सर्विस तो इसका 1 साल का जो है वारंटी है, तो 1 साल का इसका मेंटेनेंस वगैरह तो हम लोग करेंगे। अच्छा, लेकिन जो रूटीन जो इसका जो चालू करना है, बंद करना है, कुछ भी इस तरह का है, तो वो जो है हॉस्पिटल ही उसको जो है मैनेज करेगा। हमने हॉस्पिटल के 3-4 लोगों को इसकी ट्रेनिंग दे दी है। अच्छा, वो इसको रोज चालू बंद कर रहे हैं। 18 जून को ये प्लांट इंस्टॉल हो गया था, कमीशन हो गया था, उसके बाद से प्लांट चालू है, आज इसका जो है उद्घाटन हुआ है। तो ये बताइए आप तो फिजिकली देख भी चुके हैं लगा के, जहाँ एक्टिव है, इससे पहले भी बहुत जगह लगा होंगे, जहाँ एक्टिव है तो क्या लोगों को फायदा हो पा रहा है जो होना था एक्चुअल में, बाहर से अब उन्हें नहीं खरीदना पड़ रहा है हॉस्पिटल में ऐसा? देखिए 100% इससे फायदा है, ये हम लोग प्लांट जो है कोविड टाइम से ही लगाते जा रहे हैं, और हम लोगों ने भी करीब जो है 20-25 प्लांट अक्रॉस इंडिया में लगा चुके हैं, जो वारंटी के भी बाहर हो चुके हैं। अच्छा, और वो डे 1 से चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं।
जहां पहले जो हॉस्पिटल्स अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए बाहर से सिलेंडर्स परचेज करते थे, वो सिलेंडर कोई कई जगह तो नहीं कर रहे हैं, कई जगह बहुत कम कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक मैनिफोल्ड होता है, मैनिफोल्ड में दोनों सिस्टम कनेक्ट होते हैं, हमारा पीएसए सिस्टम भी उस पर कनेक्ट होता है, साथ में जो है सिलेंडर्स को भी इस पर लगाते हैं। सपोज कर लाइट चली गई है या मशीन में कोई फॉल्ट आ गया है तो ऑक्सीजन बंद नहीं हो, जो बेसिकली पेशेंट है उसको कोई तकलीफ नहीं हो, तो जैसे ही कोई सा भी एक प्लांट बंद होता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा उसका बैकअप पुश कर देता है। और एक चीज और, ये सेफ्टी के मामले से कितना सेफ है? ये एकदम सेफ है, ये बेसिकली इन हाउस प्लांट है, इसके अंदर एक्चुअली बूस्टर नहीं है, इसलिए जो है एकदम सेफ है। बिल्कुल जैसे हमारे घरों में एयर कंडीशनिंग होती है, सेम उसी तरीके से काम। अभी तक जो 40 प्लांट लगा चुके हैं उसमें कोई ऐसा डिफॉल्ट या डिफेक्ट आप लोगों को मिला इस एक साल के अंदर दौरान? देखिए रूटीन मेंटेनेंस होता है, बाकी ऐसा अभी तक कोई ऐसा नहीं, कोई प्लांट जो है कोई नहीं चल रहा है या बर्न हो गया है ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे जो 4-5 आइटम हैं, जैसे कंप्रेसर है, कंप्रेसर सदियों से हम लोग यूज कर रहे हैं, आज हम लोग जो है बाइक में या अपनी कार में हवा भराते तो कंप्रेसर से चलता है, ड्रायर है, टैंक है, नया सिस्टम हमारे लिए सिर्फ ये जो मेन मशीन है पीएसए, ये नया मशीन है जो टर्की से हमने मंगाया है, तो टर्की में ऑलरेडी जो है ये 100 साल पुरानी कंपनी है और बहुत ही जानी मानी कंपनी है, एमेक इंडस्ट्री वहां की जो है, जो आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एमेक का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ये ट्रस्टेड प्रोडक्ट है वर्ल्ड वाइड, ये जो है तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और पेटीएम सर्विस में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है पेटीएम की तरफ से। बिल्कुल नहीं है। तो मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ हम लोग जो देख रहे हैं, ये काम ऑक्सीजन वाला सबसे इम्पोर्टेंट काम था। आप लोगों को बता दूं कि 2% जो है बड़ी बड़ी कंपनियां महारत्ना होती है जो वो लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाती है, तो जो एक्चुअल काम ग्राउंड पे होता है वो दिखता नहीं है, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं जैसा ये बता रहे हैं पेटीएम के एम्प्लॉय कि 40 ऐसा प्लांट लगा चुके हैं और ये लागत लगभग करोड़ का, 1 करोड़ का लगा, 1 करोड़ का एक प्लांट। सोचिए 1 करोड़ रुपया आप बरही जैसे अस्पताल में, छोटे अनुमंडल अस्पताल है तो आसपास के लोगों को फायदा होने वाला है, सोचिए अगर सारे ब्लॉक में ऐसा लग जाए 16 करोड़ रुपया लगेगा, ज़्यादा लगेगा नहीं, लोग तो घोटाला करते हैं तो 4,000 करोड़ खा जाते हैं, लेकिन 16 करोड़ में आप सोचिए पूरे ज़िले को ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाएगा, कितना बड़ा होगा। तो आगे क्या प्लानिंग है, लगा रहे हैं आप हजारीबाग में, कैसे है, कैसे जाते हैं? बिल्कुल उसके भी प्लान है कि झारखंड में या और भी आसपास के प्रदेशों में कहाँ लगा सकते हैं, तो उसका वो जज करते रहेंगे कि आसपास कहाँ लगेगा, और फिर इफेक्टिव है, इफेक्टिव है तभी डिमांड है आसपास के रीजन में। एक्चुअली पेटीएम फाउंडेशन के पास डेडिकेटेड टीम है जो सर्वे करती है, जो रिक्वायरमेंट्स को देखती है, जरूरत है कि नहीं है, वो सब चीज वो देख करके वेरीफाई करते हैं। जरूरत तो हर जगह है, जरूरत तो है, लेकिन उसका यूटिलाइज भी होना चाहिए। अस्पतालों में तो ऑक्सीजन की जरूरत है हर जगह, आप ये जान लीजिए, क्योंकि लोग बाहर से अभी भी खरीद रहे हैं इमरजेंसी के टाइम में, जरूरत तो है नहीं, लेकिन उसके लिए पर्याप्त संसाधन हॉस्पिटल में भी होना जरूरी है। एक्चुअली ये जो पीएसए प्लांट है ये लगने के बाद में वहाँ पे बेड भी होने चाहिए, बेड के साथ साथ पाइप लाइन भी होनी चाहिए, वो पूरा सेटअप, जैसे यहाँ पे भी ट्रॉमा वार्ड है, ये ट्रॉमा वार्ड बना है, इसके अंदर पाइप लाइन बिछाई है, इसके अंदर बेड बिछाए हैं, तो यहाँ पे वो सेटअप जहाँ होगा वहाँ पे, जहाँ होगा वहीं काम करेगा। यहाँ पे आईसीयू है, आईसीसीयू है, 24 घंटे बिजली भी चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, तो जनरेटर हो या वो। तो देखिए अब सरकार पे जिम्मेदारी आ जाएगी कि प्लांट तो हम लगा दे रहे हैं लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए इन सब साधनों को मैनेज करना पड़ेगा। तो आज हम लोग बात कर रहे थे पेटीएम के जो स्टाफ हैं, जो एम्प्लॉय हैं, दिल्ली से आए हैं यहाँ पे और ये देखने के लिए कि कैसा उनका काम चल रहा है, और KEN एनर्जी के जो स्टाफ हैं, डायरेक्टर हैं आप। अच्छा, तो हम लोग बड़े आदमी से बात कर रहे हैं, देखिए आप हजारीबाग में डायरेक्टर खुद आ गए हैं प्लांट को देखने के लिए, कैसा लग रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह की जो खबरें हैं हम लोग आपको दिखाते रहेंगे। आज हम लोग बरही आए थे और बरही में बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, ऑक्सीजन प्लांट लग गया है, ऑक्सीजन प्लांट लगने से अब ऑक्सीजन की कमी शायद नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पैज अनवर, जोहार, हजारीबाग।